गाइस आज हम जा रहे हैं पार्टी करने, क्योंकि गाइस आज तुम्हारे भाई का है बर्थडे। और भाई हम एक स्कूटी पे चार जने बैठ गए हैं, पर गाइस रोड पर नहीं जा रहे हैं, गली में चला रहे हैं, इसलिए बैठ गए थे। और गाइस वहां पर हमें सब मिलने वाले हैं, अश्विन भी आ रहा है। और गाइस हम पहुंच चुके हैं, ये खड़ा मेरे बगल में अश्विन रेड शर्ट, और पीछे अमित, और बीच में मेरा बड़ा वाला भाई अजय, और उसके बगल में रेड शर्ट में गोली मेरा छोटा भाई। और भाई पहुंचने की देर नहीं हुई और भाई इन्होंने लपेटना भी स्टार्ट कर दिया। चलो भाई ये सब पेट भर रहे हैं अपना, और ऊपर देखो गाइस हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है, और नीचे प्रोग्राम चल रहा है इनका। और भाई साहब ये सब देखो भाई अपना अपना खा रहे हैं, भाई जिस बंदे ने ऑर्डर दिया था उसने मेरा ऑर्डर ही नहीं दिया, सब मजे में लपेट रहे हैं। और भाई जो बर्थडे बॉय है वो भूखा ही बैठा है, ऑर्डर ही नहीं दिया भाई हमारा तो इन्होंने। कोई बात नहीं भाई, हम पेप्सी पी के गुजारा कर लेंगे, तुम खाना खाते रहो, कोई बात नहीं भाई। और भाई ये खाना खाए जा रहे हैं, बिल बढ़ाए जा रहे हैं। और अश्विन को देखो भाई 1 रुपए की सॉस तक नहीं छोड़ रहा है। और ये देखो भाई मुंह के नाप से भी बड़ा बड़ा बर्गर खा रहे हैं। और भाई कमी पड़ गई थी तो शेक भी ऑर्डर कर दिए इन्होंने, चॉकलेट शेक। कोई बात नहीं भाई, पियो पियो, पैसा बहुत है, बस जब पैसा देने की बारी आएगी अपन तो भाग जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी करूंगा यार, बर्थडे है, जितना मन चाहे उतना खाओ। और ये देखो भाई इतना खा लिया है, बुरा हाल हो गया इनका। ये गाइस मेरा छोटा वाला भाई है, गोली, नाम से भी गोली है और काम से भी गोली है। ये देखो भाई इतना खा लिया है ना, अब इसके हालत देखो, कह रहा है अरे यार मैंने ज़्यादा खा लिया है, ओवर हो गया है। चलो भाई केक आ चुका है अपना, और भाई इस पे लिखा है डीसी रोहित, बस डीसी नज़र नहीं आ रहा। कोई बात नहीं भाई, रोहित लिखा है, पर भाई इस पे मेरे को ना ये लिखवाना चाहिए था, तुम्हारा भाई हीरोइक पे है, हीरोइक पे अमर है, अमर। रोहित गलत लिखवा लिया यार। गाइस कमेंट करके बताओ यार क्या लिखवाना चाहिए था इस पे। चलो भाई मोमबत्ती घुसाने का समय आ चुका है, चलो भाई मोमबत्ती घुसा दो इसमें, कैंडल, और ये लगा दिया हैप्पी बर्थडे डीसी रोहित। और भाई ऊपर से गोली उसके अंदर फुहारा और लगा रहा है फुहारा, वैसे भी उसमें से आग निकलती है, केक वैसे भी काला है, अगर आग लग गई ना केक के अंदर तो जल के भस्म ही हो जाएगा, राख ही बचेगी, केक की कुछ नहीं बचने वाला। चलो गाइस अब बारी आ चुकी है मोमबत्ती में आग लगाने की, और भाई फटाफट से लगाते हैं सारी कैंडल में आग, और फिर करते हैं केक का मर्डर। मर्डर नहीं यार, काटेंगे, सब में बांटेंगे और बराबर बराबर खाएंगे। और गाइस मैंने सारी मोमबत्तियों में आग लगा दी, मतलब मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने, सबने लगा दी थी। चलो भाई साहब अब बारी आ चुकी है केक काटने की, और भाई सब कुछ रेडी हो चुका है, चक्कू मैंने हाथ में ले लिया है। चलो गाइस सब ध्यान से देखना, मैं केक काटने वाला हूँ। और ये केक, अबे ये मोमबत्ती किसने बुझा दी गाइस, ये मेरे बड़े वाले भाई ने कराया ऐसा। कोई बात नहीं भाई, फिर से गोली मेरा छोटा वाला भाई मोमबत्ती में आग लगा रहा है, भाई सबसे ज़्यादा मेहनत तो गोली कर रहा है, क्योंकि भाई खाया भी तो इसने सबसे ज़्यादा है। चलो भाई केक कटने वाला है, और हिमांशु मेरे बगल में बैठा है, अश्विन का भांजा, और अमित बगल में, और उसके बगल में राज, और उसके भी बगल में अश्विन खड़ा है, और पीछे कुणाल चेलू, और भाई गोली इधर से घुसा जा रहा है। चलो भाई साहब अब केक काटेंगे, गोली क्या रहा भाई, फवारा मैंने ही घुसाया केक में, भाई फवारे में आग मैं ही लगाऊंगा, कोई नहीं लगा सकता, मैंने कहा चलो भाई तू ही लगा ले। चलो गाइस केक कटने के लिए रेडी हो चुका है, और भाई गोली क्या रहा लगाऊंगा, मैंने कहा लगा दे भाई लगा दे। और भाई मैं खुशी के मारे तो खड़ा ही हो गया, गोली कह रहा अबे बैठ जा यार, इतनी भी खुशी मत कर। चलो भाई केक को काटते हैं, अबे मोमबत्ती में फूंक मारना तो भूल ही गया। चलो भाई साहब तालियां बजाओ, तालियां बजाने के लिए भी बोलना पड़ रहा है इन सबको, कैसे दोस्त हैं यार मेरे सारे। मेरा बड़ा भाई कह रहा है यार तेरे बर्थडे में तू खुद ही ताली बजा रहा, तू तो मत बजा, मैंने कहा कोई बात नहीं यार। चलो भाई मोमबत्ती को केक से निकाल के फेंकते हैं बाहर, और भाई केक को काटते हैं फटाफट से। चलो भाई मैं केक को काटता हूँ, अबे यार मेरा ही बर्थडे, मैं क्यों केक काटूं, कोई और खिलाओ ना मेरे को। चलो भाई हम इतने खिलाई फर्स्ट बाइट मेरे को, ऊपर लिखा है बर्थडे, चलो भाई इतना बड़ा कौर, अबे भाई हलक में अटक जाएगा मेरे। चलो भाई पहला खा लिया मैंने, और दूसरा अश्विन खिला रहा है, अश्विन कह रहा है ये ले भाई खा ले, और मैंने खा लिया आराम से, और ये खिलाई चॉकलेट पूरी सजी की सजी। और भाई धीरे धीरे यार, अरे बस भाई मुँह है यार, बाल्टी थोड़ी है, इतना भर भर के खिला रहे हो यार तुम, इतना सारा सारा, अबे गोली यार रुक जा धीरे खिला, चल यार तू भी खिला खुश रह। चलो भाई गोली ने भी खिला दिया, और भाई मैं अश्विन को एक बार और खिला देता हूँ, ये ले अश्विन तू खा यार तू खुश रह। और मेरा बड़ा वाला भाई कह रहा है ले यार तू भी खा तू भी खुश रह। और भाई मैंने कुणाल चेलू को भी खिला दिया। चलो भाई अब बारी आ चुकी है उसे खाने का जिसका ये केक था, मतलब भाई जिस पे लिखा है रोहित, अब भाई मैं इसे ही खाऊंगा। और गोली भाई मेरे जबरदस्ती मुंह में केक घुसा रहा है, कुणाल चेलू भी घुसा रहा है, अबे यार धीरे धीरे खिलाओ यार। चलो भाई पहले केक की पहचान ही खत्म कर देते हैं। चलो भाई मैंने रोहित को ही खा लिया, रोहित ने रोहित का मर्डर कर दिया।
चलो भाई साहब, अब भाई एक बंदा तो रह गया जिसने अभी तक केक नहीं खाया। गाइस कैमरामैन, चलो भाई मेरा बड़ा वाला भाई मेरा कैमरा पकड़ लेता है, मतलब फोन को। और भाई कैमरामैन आ चुका है मेरे सामने। और गाइस कैमरामैन कोई और नहीं है, मेरे चाचा का लड़का है, इसका नाम है सुमित। और भाई सब ने मुझे केक खिला दिया पर इसने नहीं खिलाया। अब ये कह रहा भाई मैं भी खिलाऊंगा तेरे को केक। मैंने कहा चल यार तू खिला दे, पर भाई इसने तो पीस बहुत बड़ा निकाला था। और इसे देखकर तो भाई मैं तो घबरा गया। मैंने कहा यार इसे छोटा कर ले। कह रहा नहीं भाई तू पूरा ही खा ले। मैंने खाया और भाई खाते ही अंदर का सिस्टम बाहर को आने लग गया था मेरा तो यार। मैंने कहा यार इतना बड़ा पीस अलग में घुसा दिया तूने, मेरे बच गया यार। चलो भाई अब हमने सब ने खा चुका है केक, मतलब भाई केक हो चुका था समाप्त नहीं यार, अभी तो बहुत सारा पड़ा है सामने। चलो भाई साहब इसे धीरे धीरे करके खा ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। और भाई केक खाते खाते हमारे अंदर का सिस्टम हिलने लग गया था, मतलब भाई केक का नशा चढ़ गया था हमें। ये देखो भाई अश्विन को देखो, कुणाल चेलू को देखो, भाई नशे में, सब नशे में। हाँ भाई हम भी नशे में ये। चलो भाई साहब पार्टी हो चुकी है ख़त्म, चलते हैं अब बाहर की तरफ। ये पड़ा है भाई कचरा, कूड़ा कचरा। और भाई बिल आ गया लंबा सा हाथ में। चलो गाइस गेस करके बताना कितना बिल आया होगा, भाई मोटा बिल बनाता। चलो गाइस कोई बात नहीं यार, तुम्हारे भाई के पास किसी चीज़ की कमी है क्या? अगर कमी होगी भी तो सिर्फ पैसों की होगी, इसके बिना क्या कमी हो सकती है। और भाई चलो चलते हैं भाई बाहर की तरफ। और भाई बाहर का नज़ारा देखते हैं भाई बाहर क्या चल रहा है। और भाई हम गए कहीं और थे, आ कहीं और गए। चलो भाई साहब यहीं से देख लो गाइस, चलो जा रहे हैं। और भाई दोस्तों ने कहा भाई इतने में थोड़ी होगा, चलो भाई पहुंच गए कहीं और। चलो भाई जहां पर सबसे पहले आए थे वापस से दोबारा वहीं पहुंच गए दोबारा खाने के लिए। और गाइस दोस्तों के होते हुए तुम्हारे भाई को समय नहीं लगेगा गरीब होने में, बस 2-4 दिन ही लगेंगे, तब तक भिखारी बन जाऊंगा। चलो गाइस हम घुस चुके हैं दूसरे वाले रेस्टोरेंट में। और भाई यहाँ देखते, अबे यहाँ तो फुल अंधेरा है, अबे भाई ये कहाँ खंडर में ले आए हमें। और भाई लाइट जलने के बाद तो खंडर भी भाई हवेली में बदल गया, हवेली नहीं मतलब हवेली का बाथरूम यार। इसका साइज तो देखो यार कितना बड़ा है यार, ये बहुत बड़ी जगह है यार। चलो गाइस कोई बात नहीं, पर यार तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। और भाई यहाँ पर देखो स्टिंग एनर्जी आ चुकी है हमारी। चलो गाइस कोई बात नहीं, सब ने अपनी अपनी उठा ली और ये कैमरामैन के लिए रख दी यहाँ पर। और भाई साहब यहाँ पर देखो ये आ चुके हैं भाई, मलाई चाप, अफगानी चाप, तंदूरी चाप, इसकी और भूख लगी थी इन सबको। चलो भाई ये सब खाते हैं। अबे अबे भाई ये क्या सिस्टम है यार, टेबल के ऊपर ही भाई दुनिया सुधर जाएगी, हमारे दोस्त नहीं सुधरने वाले। चलो गाइस कोई बात नहीं भाई, ये डीसी अमित है, ये डीसी अमित। चलो भाई इसी के साथ जिसके भी कोने कोने में जगह बची थी वो भी फुल हो गई। चलो भाई सब खाली हो चुका है, अब चलते हैं घर की तरफ। भाई फुल शोर मचा रहे हैं, फुल खाने के बाद शोर ही मचाते हैं। और भाई साहब ये कुछ कह ही जा रहा है यहाँ पर। चलो गाइस अब निकलते हैं बाहर, अब तो भाई किसी का पेट इतना सा भी खाली नहीं बचा होगा गाइस। चलो भाई अब चलते हैं बाहर। और ये पड़ा है कचरा गाइस, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। अच्छा खासा पैसा लग गया यहाँ पर, इन्होंने मेरी एक किडनी बेचने लायक नौबत कर दी है। चलो कोई बात नहीं यार, साल में एक बार आता है बर्थडे यार, खर्चा तो करना चाहिए, दोस्तों का मन भी तो खुश हो जाए। चलो भाई अब बाहर निकलते हैं किसी के साथ, अब भाई घर जाने की प्लानिंग करते हैं। भाई सबका पेट हो चुका है एकदम फुल, और गोली भाई फुल है, और सुमित का भी फुल, सब भाई अपने। चलो भाई इसी के साथ अब बाय बाय कर देते हैं भाई सबके लिए। आ जाओ भाई सब बाय कर दो यहाँ पर आकर के। चलो लास्ट टाइम आ जाओ भाई सारे के सारे, ये दिन भी याद रहेगा। और भाई अश्विन भी आ गया पीछे, अमित, सुमित, कुणाल चेलू और मैं, गोली और राज। चलो भाई बाय बाय करते हैं और चलते हैं भाई घर, क्योंकि भाई आज रात को पटाखे भी तो फोड़ने हैं। और गाइस हम आ चुके हैं घर और भाई रात भी हो चुकी है। चलो भाई साहब एक अनार से शुरुआत करते हैं हम अपनी दिवाली की। और गाइस एक सीक्रेट बात बताता हूँ गाइस, मेरा जो बर्थडे है ना वो हमेशा दिवाली पर ही आता है, चाहे दिवाली नवंबर में हो या अक्टूबर में, मेरा बर्थडे दिवाली पर ही आता है। क्योंकि गाइस मैं पैदा ही दिवाली वाले दिन हुआ था और मेरे घर वालों ने डेट फिक्स नहीं करी, सीधा दिवाली फिक्स कर दी, इसीलिए भाई कभी नवंबर में आ जाता है तो कभी अक्टूबर में। इसीलिए भाई मेरे से कोई पूछता है ना भाई आपका बर्थडे कब आता है, मैं कह देता हूँ भाई मेरा बर्थडे सीधा दिवाली पर ही आता है ना गाइस, तगड़ा जुगाड़। और गाइस मेरे बर्थडे वाले दिन पूरा इंडिया मेरे बर्थडे की खुशी में पटाखे फोड़ते हैं, समझ रहे हो ना गाइस। पर यार ऐसा नहीं है, सब लोग दिवाली की खुशी में पटाखे फोड़ते हैं,
और भाई मैंने एक मोटे बम में आग लगाई है भाई साहब, बड़ा मस्त फटा यार। चलो भाई साहब एक और जलाते हैं, अब देखते हैं भाई ये कितनी तेज फटने वाला है। और भाई मैं तो दूर हो गया, चलो भाई देखते हैं कितनी तेज फटेगा। अरे भाई मस्त फटा यार। और भाई ये देखो भाई पूरा पांच का पैकेट है, इकट्ठी आग लगाते हैं, देखते हैं भाई अब कैसा धमाका होने वाला है। गाइस पांचों में इकट्ठी आग लगाते हैं और गाइस ये देखो कितने सारे पटाखे फोड़े, कूड़ा कूड़ा कर दिया है। और भाई लगाई आग, अरे भाई भागो भागो, स्कैम हो गया यार हमारे साथ तो, पांच के पैकेट से दो ही फटे, तीन उड़ गए। चलो भाई साहब अब चकरी जलाते हैं और भाई इतने बड़े बड़े बंदे कूदने वाले चकरी पे, देखो गाइस। बस भाई बस, ज़्यादा कूदोगे चकड़ी शर्मा जाएगी यार। और भाई चकड़ी के ऊपर ही लात धर रहे हैं। चलो भाई साहब चकड़ी हो गई खत्म, यहाँ मत चले। और भाई एक जला दी चकड़ी प्लेन फर्श पे, चलो भाई ये वाली घूमेगी ना मस्त। भाई साहब चकड़ी के ऊपर बिना चप्पल पहने कूद रहे हैं, पैर जल गया ना चकड़ी की तरह हो जाएगा। और गाइस अब बारी आ चुकी है स्काई शॉट की पूरी पेटी की, और भाई इसमें आग लगाते हैं, अब देखते हैं गाइस कितना मज़ा आने वाला है। तो चलो भाई फटाफट से आग लगा रहा हूँ मैं इसके अंदर, माचिस मेरे हाथ में है, उजाला कर देंगे रात में। चलो भाई आग लगने वाली है और भाई फटाफट से इसमें आग लगाता हूँ, फिर देखना गाइस कितना मज़ा आएगा। और भाई आग लग चुकी है, अब देखना भाई आसमान में स्काई शॉट फूटेंगे। तो चलो भाई धुआं निकल रहा है और गाइस अब देखते हैं क्या भाई ये फूटेगी या नहीं। चलो भाई शॉट निकलना स्टार्ट हो गए हैं, चलो गाइस इसे देखो और एंजॉय करो। और भाई जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, भाई क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो गाइस, अपना ही चैनल है यार भाई, सारे मिलके सब्सक्राइब कर दो यार। और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर देना गाइस, और भाई लाइक भी कर देना गाइस, कर देना सारे सब्सक्राइब। चलो गाइस ब्लॉग हो चुका है एंड, मतलब खत्म। और गाइस सब्सक्राइब करके जाना गाइस, चलो गाइस बाय बाय।